अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास, वी आर राइटिंग क्वेश्चन आंसर्स ऑफ चैप्टर नंबर 3 विच इज़ कीबोर्ड। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ आइडेंटिफाई द कीज़ विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस एज माउस। हमने वो वाली कीज़ बतानी है कि अगर हमारे पास माउस ना हो और हमने अपनी वर्किंग करनी हो तो हम कौन सी कीज़ को कीबोर्ड के ऊपर यूज़ करते हुए उनसे माउस का काम ले सकते हैं। द आंसर इज़ एरो कीज़, फंक्शन कीज़ एंड न्यूमेरिक कीज़ कैन परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस एज माउस। अगर हमारे पास माउस अवेलेबल नहीं है तो हम एरो कीज से भी वही काम, कर्सर कंट्रोल का काम ले सकते हैं, क्योंकि एरो कीज को कर्सर कंट्रोल कीज भी बोलते हैं। इसके अलावा फंक्शंस कीज होती हैं हमारे पास F1 से लेकर F12 तक, हम उनसे भी वही फंक्शंस परफॉर्म करवा सकते हैं जो कि माउस परफॉर्म करता है। एंड न्यूमेरिक कीज़, अगर हम न्यूमेरिक की पैड को ऑन कर लें और माउस कीज़ को एक्टिव कर लें तो हम न्यूमेरिक की पैड से भी माउस का काम ले सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच कीज आर यूज टू अरेज अ वर्ड, इज इट यूजफुल टू हैव डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द सेम टास्क। बैक स्पेस एंड डिलीट कीज आर यूज टू अरेज अ वर्ड। बैक स्पेस और डिलीट कीज यूज़ करते हैं ना हम वर्ड्स को अरेज करने के लिए। बैक स्पेस जो है वो लेफ्ट साइड पे डिलीट करती है और डिलीट की किस साइड पे डिलीट करती है, राइट साइड पे। सेकंड पार्ट का आंसर ये है कि येस इट इज़ यूजफुल टू हैव डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द सेम टास्क। जब हमारे पास किसी चीज़ के अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं तो मच बेटर होता है ना, रादर देन दिस कि हमारे पास एक ही सोल्यूशन हो। तो येस इट इज़ यूजफुल टू हैव डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग द सेम टास्क। डू दिस वर्क ऑन योर कंप्यूटर साइंस नोटबुक्स एंड सेंड स्नैपशॉट ऑफ योर वर्क अलॉन्ग विद योर नेम इन ग्रुप। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।